I'll share with you about balance, but I'll not share about work-life balance because work-life balance कुछ नहीं होता है. There is a balance which you need to bring in life, right? And इस thought के साथ आगे रहना कि you will never be in balance. You will never have balance in life. Your life will always be imbalanced. But your struggle and your entire internal quest, आपके अंदर की चाहत होनी चाहिए कि क्या मैं बैलेंस ले पाऊं, ला पाऊं, ये जानते हुए कि लाइफ कभी बैलेंस में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बैलेंस चाहिए. इस जीने को, इस चाहत को कि मुझे बैलेंस चाहिए, इसको जिंदगी बोलती. I'll give an example. सोच में फर्क होता है कि हमें बैलेंस चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि अक्सर हम दो चीजों में बैलेंस लाने की बात करते हैं, तो वर्क एंड लाइफ. अब लाइफ के अंदर ही तो वर्क है. आपने क्या कर दिया कि लाइफ अलग है, वर्क अलग है. स्टार्टिंग पॉइंट ही रॉन्ग हो गया अपना. तो इसका मतलब क्या है, लाइफ अलग है, वर्क अलग है, तो वर्क में लाइफ नहीं आती, जबकि वर्क के अंदर लाइफ तो होनी चाहिए, जिंदगी तो होनी चाहिए. तो लाइफ के अंदर वर्क है, इस लाइफ में बैलेंस होना चाहिए. यू गो टू वेजिटेबल वेंडर, सब्जी खरीदने जाओ आप कभी, तो उसके हाथ में तराजू होता है, राइट? अभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, बट पहले ज़माने में अभी भी कुछ शॉप्स में आप, यू हैव अ वेइंग स्केल लाइक दिस. तो आपने कहा भाई 1 किलो आप मुझे टमाटर दो या आलू दो या जो भी थे, तो आपने कहा 1 किलो आलू दो. तो वो क्या करता है वो आलू लेता है और एक साइड डालता है, लेकिन आलू डालने से पहले क्या करता है, वो एक साइड का डालता है 1 kg का वेट. तो जैसे ही वो वेट डालता है, क्या होता है, तराजू उस साइड टिल्ट हो जाता है. फिर उसका सारा प्रयास, सारा कोशिश, सारा एफर्ट किस साइड में है कि इसको मैं बैलेंस करूं. तो उसको बैलेंस करते रहता, फिर एक समय आता है जब बैलेंस होता है. जैसे ही बैलेंस होता है वो क्या करता है, आपको दे देता है, फिर इम्बैलेंस हो जाता है, राइट? फिर कोई और कुछ मांगता है, फिर उसको बैलेंस करता है. उसका सुबह से शाम काम क्या चालू है, बैलेंस करते रहना, ये जानते हुए भी कि कोई बैलेंस होने वाला नहीं है. वो शाम को फिर भी इम्बैलेंस ही जाएगा. तो आपका क्वेस्ट, आपने बिजनेस चालू किया, तो बिजनेस चालू किया, आपके पास 24 घंटे हैं और आपने नया नया काम चालू किया. हाउ मेनी आवर्स डू यू नीड टू पुट इन दैट बिजनेस? नया नया काम है, 24 घंटे आपके पास. हाउ मेनी आवर्स यू नीड टू पुट इन बिजनेस? 48 घंटे 24 में से. नया है ना बिजनेस, am I right or not? जितना समय दो उतना कम है, राइट? सो वरद की शादी होती है. अब शादी होगी तो ये, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फ्यू डेज, फर्स्ट 7-8 days, 10 days, डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल. एक दिन में कितने घंटे? 24. हाउ मेनी आवर्स ही वांट्स टू पुट इन द मैरिज? इनिशियली फर्स्ट वीक 48. वो भी कम पड़ते हैं उसको. वो कहता है 24 खत्म कैसे होता है, इसको लंबा नहीं हो सकता है दिन. So now when you start work, you are putting more time in work than anything else. So आप शायद खाने पीने की सुध भूल जाओगे, आप शायद दोस्तों से बात नहीं कर पाओगे, घर वालों को टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि नया नया बिजनेस है. शादी होती है तो वो क्या करता है वरद, शादी होगी तो दोस्तों को भूल जाएगा, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, जब उसका सारा नशा उतरेगा, फिर वो अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छा घर वाले भी हैं. So उस समय आप इम्बैलेंस्ड हैं. A lady delivers a child, has a baby. Now the mother has the entire focus on the baby. How many hours she wants to give to the baby in 24 hours? 48. बाकी सब बेमाने हो जाता है. कोई तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कोई बच्चा, so he's studying his CA or he's studying his IPS or IS exams or going for some kind of a competitive exam. तो वो 8-8, 10-10, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई कर रहा है. तो उसने पिक्चरें बंद कर दी, दोस्तों से बात करना बंद कर दिया. फॉर दोस फ्यू मंथ्स हिज लाइफ हैज बिकम इम्बैलेंस्ड. तराजू इस साइड हो गया. इज इट राइट? सो लाइफ आपकी ऐसे ही होने वाली है कि आपके, तो आपके अंदर क्या ख्याल होना चाहिए, अरे यार ये इम्बैलेंस हो गई, लेट मी ब्रिंग इट टू बैलेंस. आप बैलेंस पे लेकर, तो जितना जल्दी हो सके आप बच्चों से टाइम निकाल के हस्बैंड को टाइम दो, घर वालों को टाइम दो, अपनी हेल्थ पे टाइम दो, अपने और काम को टाइम दो. जितना जल्दी हो सके बिजनेस को सेटल करो, सेटल होने के बाद फिर घर को टाइम दो, बाकी हेल्थ को टाइम दो, सब चीज़ों को टाइम दो. जितना जल्दी हो सके यू कम आउट ऑफ योर हनीमून टाइम एंड स्टार्ट लिविंग अ नॉर्मल टाइम लाइफ. जितना जल्दी हो सके आप अपने पढ़ाई के शेड्यूल से कुछ टाइम घर वालों के लिए, कुछ टाइम दोस्तों के लिए निकालो. मेक योर लाइफ बैलेंस्ड. एंड देन द मोमेंट यू रियलाइज बैलेंस हो गया है, फिर कुछ हो जाएगा, फिर वो चालू हो जाएगा बैलेंस करना, फिर कुछ होगा, फिर इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर कुछ करोगे आप बैलेंस करने के लिए. और ये कब तक चलेगा? ये पिक्चर आई थी, उसका नाम था जब तक है जाग. ये तब तक चलता रहेगा. तो वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफ बैलेंस.